आइए आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार सेवा रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति लगे महाराष्ट्र में अपना प्रैक्टिस करता हूँ। कभी दूर दूर से हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं, थक जाते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं और फिर हमारे पास में आते हैं कि चलो भाई आखिरी का भी आपके पास में इलाज करें। फिर हमें भी जरा प्रेशर आता है कि चलो भाई आखिरी का इलाज बोल रहे हैं, इतने दूर से आया हुआ है, फिर हमको उसका इलाज करना है, अभी कैसा होगा क्या होगा। तो मैं ऐसे आपको कुछ केस स्टडी बताता हूँ कि जिसमें हमने हमारा पूरा क्लिनिकल ताकत, हमारी पूरा क्लिनिकल जो एक्यूमेंट था, नॉलेज था, पूरा लगा के बहुत उसके ऊपर मेहनत करके पेशेंट को ठीक किया। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उनको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है कि चलो ये इतने दिन आगे हमारे पास में रहे, हमारा जो हार्डवर्क था उसका फल हमको मिल गया। तो आइए उसके बारे में लेते हैं। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील खराटे, केड़कर हॉस्पिटल, रामदास पेट, अकोला। हमारे यहाँ पे सेक्स रोग, लैंगिक समस्या, सम्मोहन और मनोविकार, छोटे बच्चों की समस्याएं, बुजुर्ग की समस्याएं आदि पे इलाज होता है। और इलाज कराने के जो तरीके हैं, आप पेशेंट के साथ में भी रह सकते हो और आपका साथ में अगर नहीं रहना जमता तो पेशेंट अकेले को हम रख सकते हैं। देखिए अभी ये बहुत दूर से आए हैं पेशेंट और इनका पेशेंट के साथ में रुकना नहीं हो रहा है, लेकिन पेशेंट एडमिट करना ज़रूरी है। ये आए हमारे पास में, इन्होंने बोला कि भाई पेशेंट ऐसा है और पेशेंट के साथ में हम नहीं रह सकते। तो हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर एक अस्पताल है, वहाँ पे आप पेशेंट को रख सकते हो। पेशेंट की सब देखभाल हम करते हैं, कपड़े धोने से लेके खाने पीने तक, ट्रीटमेंट तक, काउंसिलिंग, ये सब बातें हम करते हैं। अभी ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो पेशेंट है उन्हीं की जवाब नहीं सुनते। आप कहाँ से हो? वेनी से। वेनी से है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या तकलीफ थी इनको? ये झोंकता नहीं, अब चिड़चिड़ ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, ये हाँ। नींद नहीं आती थी, दिल के दिल में बातें करना, खुद से हंसना रोना, घर वालों को तकलीफ देना, ऐसे प्रकार की इनकी बीमारी थी। स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है। तो अभी आप साथ में क्यों नहीं रहना चाहते हो? ये घर का टिपन लगते ना इसके साथ। मराठी बोला, घर ही थाम घर से टिपन लगती थे। अच्छा अच्छा। मतलब तुम्ही आता नेहमी अपन इतना भर्ती करते तिराव सकते, तुम्हारे भरोसा टाकून देते। बराबर है। देखिए अभी कैसा है, पेशेंट को दुरुस्त करना है, लेकिन घर के सब काम पड़े हैं, खेती के काम है, घर के काम है, अकेला आदमी है, नहीं कर सकता। इनका आपका कौन है? भाई है। इनका भाई है, लेकिन इनके घर की जिम्मेदारी संभालना, माँ बाप को संभालना और इनको संभालना, ये सब बातें नहीं होती। और ऐसा पेशेंट घर में रखना बोले तो बहुत मुश्किल का काम है। मैंने पहले वीडियो में जैसा बोला कि ये लोग जो रहते हैं कि इनको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई बीमारी है, तकलीफ घर वालों को रहती है और घर वाले को फुर्सत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि अभी पेशेंट कहाँ पे रखोगे आप? अभी मानस, मानस पर। मानस, मराठी बोला तुम? तुम मराठी बोला? मैंने मानस हॉस्पिटल मध्ये। आणि तुम्ही घरी जाणार? देखिए अभी इनका सब प्रोसीजर हो गया, ये पेशेंट है और ये पेशेंट को अभी हम हमारे मानस में रखेंगे। मानस बोलते हैं हम उसको, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पे रखेंगे। ये जो पेशेंट अभी दिख रहा है, 5 दिन के बाद में अगर, 10 दिन के बाद में अगर ये पेशेंट देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, ऐसा रिजल्ट हमारा है। अगर कोई आपके पास में पेशेंट है, आपके साथ में कोई आजू बाजू में है, तकलीफ दे रहा है घर में, उनका रहना नहीं होता पेशेंट के साथ में, फिर भी ऐसे पेशेंट को हमारे पास में लेके आओ, हम उनका इलाज करेंगे। हमारा उद्देश्य है भारत के हर मनोरुग्णों का इलाज हम करेंगे, जो व्यसनी है उसका व्यसन हम छुड़ाएंगे, यह हमारी प्रतिज्ञा है, इसके लिए हम काम करते हैं। नमस्कार। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।